जी कैसा देखता है, जील जी एंटरटेनमेंट? सर सच कहूं तो ये मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है सर। मैं हमेशा ट्रेडिंग के दौरान में ये स्टॉक प्रेफर करता हूं। मेरे जो क्लाइंट्स हैं इन लोगों को मैं वीकली एक बार या दो बार तो मेरा जी का ऑप्शन के जरिए से या फिर डायरेक्टली कैश कैश के जरिए से फ्यूचर्स के जरिए से जाता है। सर जिस तरीके का पीछे के 8-10 दिनों का जो मूवमेंट है इसके अंदर, स्पेशली कल और परसों का जो मूवमेंट है वो पिछले 3 दिनों का मूवमेंट, ये थोड़ा सा वन साइडेड मूवमेंट आया है अच्छा खासा, ठीक है। पर ऊपर से ये स्टॉक को जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो काफी टाइम से ये कंटिन्यूअसली ये एक डाउन ट्रेंड दिखाते आया हुआ है सर। और ये 200 की लगभग रेंज में भी मिला हुआ था, 190 के आसपास ये स्टॉक अभी रिसेंटली लो बना के अभी 220-224 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि मोमेंटम जो स्टॉक है उसके अंदर ये जी है, आज की कंडीशंस के अंदर मेरा रिकमेंडेशन नहीं है इसके ऊपर कोई भी। और सिर्फ चार्ट के ऊपर अगर मैं कहूँ तो 205 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में अगर इसको लॉन्ग करते हैं तो 260-275 के रेट सबने को 2 महीने के भीतर भीतर मिलने चाहिए। एक अच्छी खासी रैली इसके अंदर ड्यू है, जिस भी दिन इसके अंदर रैली शुरू हो गई ये स्टॉक रुकेगा नहीं सर। लेकिन ये कंडीशंस के ऊपर ही बाय करना है ये पर्टिकुलरली मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग जी में ऑलरेडी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जो लोगों को ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो एवरेज जरूर कर सकते हैं सर यहाँ से 205 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये राय पंकज जी की, जी पे एवरेजिंग कर सकते हैं लेकिन बाकी सारी चीजें तो जरूर ध्यान रखिएगा।